पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद से लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानने में काफी इंटरेस्टेड है, जैसे कि उनकी पेंशन कितनी होगी उनकी सैलरी के हिसाब से, अगर कोई शख्स नहीं रहता है तो उसके परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी, यह उनके मूल वेतन पर निर्भर करता है। कौन सी स्कीम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अब लोगों के पास दो ऑप्शन चुनने के लिए है, UPS या NPS। ऐसे में जब लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा वाला उनके लिए बेहतर है। तो आज हम इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे कि आखिर UPS और NPS में कौन सी स्कीम बेस्ट है और आपको कौन सी चुननी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। सबसे पहले आपको बताते हैं NPS के बारे में, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। यह एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। NPS को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। ये कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़ाकर भी मिल सकता है। NPS के तहत कर्मचारी कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। ICICI, SBI, HDFC जैसी बैंक और LIC कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं। हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। NPS के तहत कर्मचारी की सैलरी और DA का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा उनके पास से उसके फंड में जमा करती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है। अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बाकी 40% पैसा एन्यूटी में निवेश कर दिया जाता है। चूंकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसीलिए यह बढ़ सकती है और घट भी सकती है। इस 40% रकम में संभव घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बंध जाती है। वही OPS एक तय पेंशन का प्लान था। NPS के उलट OPS में कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार हर महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे NPS के तहत बंद कर दिया गया था। OPS के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि GPF भी मिलता था और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक थी। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि OPS के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था, बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे। चलिए अब जानते हैं UPS के फायदे के बारे में। इसका फायदा 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन दिया जाएगा, जो NPS में नहीं था। NPS को लेकर इसी वजह से विरोध होता था। सरकार के मुताबिक UPS में 5 प्रमुख बातें हैं जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बनाती है। पहला, सुनिश्चित पेंशन। इस स्कीम के तहत 25 वर्षों तक सेवा करने के बाद रिटायर होने पर रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन के 50% राशि को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगर सर्विस की अवधि कम होगी तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा भी कम होता जाएगा, मगर कम से कम 10 साल की सर्विस जरूर होगी, तभी इस स्कीम का फायदा होगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के केस में UPS के जरिए 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। मतलब अगर आपने 10 साल भी सर्विस की है तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपको कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिले। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। अगर रिटायरमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को तुरंत आखिरी पेंशन राशि का 60% दिया जाएगा। इस तरह कर्मचारी के निधन के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। मुद्रास्फीति सूचकांक
इन्फ्लेशन इंडेक्स सेशन। ऊपर बाते गए तीन प्रकार की पेंशन पर डीएनएस अलाउंस मिलेगा। इसका कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होगा। इसी के आधार पर ही वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है। आसान भाषा में कहे तो महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान। यूपीएस में दो तरह से एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया है। पहला तो रिटायरमेंट के बाद ही ग्रेच्युटी के तौर पर एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को हर 6 महीने की सर्विस पर सैलरी का 10% मिलेगा। आइए अब जानते हैं यूपीएस से एनपीएस में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे यूपीएस के लिए एलिजिबल यानी योग्य होंगे। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी यानी कि वे 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उनके पास ऑप्शन है कि वे एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए कर्मचारियों को इसके लागू होने से पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी। अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वह एनपीएस में फिर से नहीं लौट सकता है। सरकार का कहना है कि यूपीएस से 99% कर्मचारियों को फायदा होगा, वही उन रिटायर्ड लोगों के लिए जो एनपीएस के तहत पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं उन पर यूपीएस प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ बकाया पैसा दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि यूपीएस पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूपीएस को लेकर कई तरह के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं। कुछ लोग यूपीएस की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विपक्षी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा है मोदी सरकार पर। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वह यूपीएस को खत्म करके ओपीएस लेकर आएगी। ऐसे में बीजेपी ने भी इसे पलटवार किया है। बीजेपी ने बताया है यूपीएस के कितने फायदे हैं और सरकारी कर्मचारी किस तरीके से यूपीएस का लाभ उठा सकते हैं। कांग्रेस की लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पुरानी पेंशन योजना में क्या बुराई थी? कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। वे यानी कि बीजेपी नई पेंशन योजना लाए लेकिन किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। बीजेपी नाम बदलने में माहिर है। हम कहना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे वापस लाएंगे। ऐसा ही कुछ अन्य दलों ने भी यूपीएस को लेकर कहा है। ऐसे में अब तो आखिरी फैसला जनता का है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहती है। आशा करते हैं कि हमने आपके सभी कंफ्यूजन और सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।